पाएगा, नहीं हो पाएगा स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी होता तो बच्चा तो जान जाता नहीं जाता, ठेकेदार को देता है वार्ड पार्षद काम करने के लिए। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो, नगर निगम अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो और तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी करते हुए इसका मुआवजा का जो भी सरकारी मुआवजा है तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करें। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर 23 इलाके में खेलने के दौरान नाले में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने राजीव नगर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर रोड पर हंगामा किया। घटना की सूचना पर राजीव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुट गई है। स्थानीय लोगों की माने तो निगम की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। कई महीनों से नाले का मेन होल खुला पड़ा है जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। पूरी नगर निगम के दोषी है, ये जो भी इनका ठेकेदार है उनको पर जल्द से जल्द FIR होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। प्लस इनके साथ में ठेकेदार के साथ में जो भी अधिकारी पास किए हैं इसका कमीशन था है इंजीनियर, उनको पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे पूरा पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? उनके फर्ज नहीं बनता है देखने के लिए? उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। और एक क्या देख लीजिए, ये क्या वापस कोई ला करके दे सकता है? नहीं दे सकता है। मैं ये जानता हूँ कि ये बच्चा जो चला गया ये लौट करके नहीं ला सकता है कोई, तो सभी ठेकेदार से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि दोबारा ऐसा मौका न मिले। और सभी है माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसा खेल मत खेलिए। एक मासूम बच्चा का जान जा रहा है, एक माँ तड़पता रहेगी शायद आज से लेकर के हर दम इसकी याद आएगा। पटना के कई इलाके में ढक्कन खुले रहते हैं, ढक्कन खुलने के कारण इस बच्चा को क्या मालूम है कि उसमें गड्ढा है क्या है? एक बच्चा है ये, इसको कुछ पता ही नहीं है कि उसमें क्या हमारे जाने से जान चला जाएगा या हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो मासूम है, इसका दोषी हमारे ठेकेदार हैं। जानते हैं कि बच्चा जाएगा तो उसमें चला जाएगा, जो दुनिया से लौट करके नहीं आएगा। ये सारा दोष ठेकेदार का है और हम वार्ड पार्षद का होता है, क्योंकि वार्ड पार्षद इसके लिए लड़े नहीं, चुनाव में खर्च कितनों पैसा कर देते हैं, लाखों 50-50 लाख खर्चा कर देते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या उनके पास 5,000 रुपया नहीं था एक ढक्कन कटाने के लिए? भले सब जनता को हम कहते हैं ऐसे पार्षद को वोट नहीं दीजिए तब भी आपका माहौल सुधरेगा, और पैसा पर वोट नहीं दीजिए, एक इंसान को चुनिए जो आपके सुख दुख में काम आए, और वो पैसा नहीं चिन्हे आपको चिन्हे, जनता को अपना परिवार समझे, ऐसे पार्षद को वोट दीजिए। स्मार्ट सिटी का बात करते हैं पटना में, तो कैसे स्मार्ट सिटी बन पाएगा जिस तरह से घटना हो रही है? नहीं हो पाएगा स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी होता तो बच्चा तो जान जाता नहीं जाता, ठेकेदार को देता है वार्ड पार्षद काम करने के लिए। और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई हो, नगर निगम अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो और तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी करते हुए इसका मुआवजा का जो भी सरकारी मुआवजा है तुरंत से तुरंत देने की।